नजारा देख के बहुत औका है, मतलब यहाँ से जाम लग गया जाम। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनिता, क्या स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 8:30 बजे से, और हम जा रहे हैं आज न्यार काटने, और आज खुल रहा है हमारे गांव का जगवाली का न्यार। तो चलो चलते हैं हम जगवाली के न्यार काटने, और अभी तो कोई लोग आया नहीं है, तो अभी तो जगवाली में ये भी इकट्ठा होगा, इस पर चावल और गुड़ और 1 रुपया, तो चलो चलते हैं, अभी कोई आया नहीं है, है ना विक्रम। तो अभी तो हम इतने ही लोग आए हैं, मामी और मामी और जगवाले मामा जी आए हैं बस। तो ये बैठे हैं और ये इकट्ठा कर रही हैं पैसे, और मामा जी मतलब जगवाले मामा जी कर रहे हैं, और विक्रम मामी मेरी दरांती पहले आएगी तब तक। और तो देखे आने लग गए हैं लोग धीरे धीरे, मतलब कोई कोई आने लग गया है, और दथड़ी पलटने के लगे हैं। तो देखे अभी इतने लोग आए हैं, अभी और भी बाकी है। तो देखे ये लोग बोल रहे हैं आज मेरे लिए कि तू वीडियो बनाएगी, मतलब घास भी निकालेगी, तो दोनों काम करूंगी मैं, है ना दोस्तों। तो देखे इतने लोग आ गए हैं। हेलो दोस्तों, अभी सब लोग आए नहीं है, बस आ ही रहे हैं, और मतलब कि आज ना शोर भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरा गांव मतलब कि पूरे गांव के लेडीज लोग यहां पे उपस्थित हैं न्यार काटने के लिए। तो चलो देखते हैं आगे। तो देखिए कितना शोर हो रहा है, कसम से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और मैं आवाज़ नहीं निकाल पाई, तो अभी बोल रही हूँ मैं एडिटिंग करते। तो लगभग लोग आ ही गए से बैठ लगे और अभी तो सिफर भी, अभी तो हमारे यहाँ सिफर उठाते हैं, और अभी चावल चूवल, तो देखते हैं अब क्या क्या होता है। मतलब कि मैं ना फर्स्ट दिन करता है जब मैं, तो मैं आज ना फर्स्ट बार आ रही हूँ फर्स्ट दिन करने में, और ये मेरी सासू जी तो देख रहे हैं मेरे को चिपके चिपके। तो दोस्तों हमारे गांव में आज उलेना खुल गए हैं, तो और अभी तो मतलब कि सिर पर भी फूटेगा आज तो उलेना खुल गया, मतलब अब वार लगने वाली है यहाँ पर। ऐसे तो अब हम ऐसे बैठ गए हैं, और अब ऊंचाई हमारे ऊपर सिर पर और सब लोग बैठे हैं। कुछ पूजा करे तो देखे बहुत औका है, मतलब यहाँ से तो बैठ गए हैं लोग, और कोई कोई तो बैठ गया, और कोई तो अभी आ ही रहा है, और मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ पर। तो देखती हूँ, वैसे तो घास है नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों बैठ गए हम अपनी अपनी जगहों पर, और मतलब ये बहुत बड़ा टुकड़ा खुला है, और हमारे यहाँ कहते हैं टुकड़ा, और मैं पत्थर के ऊपर बैठी हूँ अभी। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि कितने पहाड़ ठेल के आए हम यहाँ, और कैसे पहाड़ों में बैठे हम इधर देखे, और मतलब कि यहाँ से बहुत वो है, अगर कोई गिर गया ना तो कसम से। तो देखिए यहाँ से तुरंत नीचे है, मतलब कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है, सभी देवता देवी देवताओं की कृपा से। और तो यहाँ पे विक्रम मामी बैठ रखी है, और ये देखिए सब लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं, और ये है पहाड़ ऊपर देखे सिटी की, और सिटी मारेंगे उसी टाइम काटने लग जाएंगे हम,
तो चलो सीटी किसी वक्त भी मार सकती है। और जैसे ही जगवाले मामा सीटी मारेंगे और वैसे ही लग जाएंगे लोग घसोड़ा घसोड़ी काटने पर। और अब देखिए आज दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे काटते हैं यहाँ के न्यार। और मतलब मैं 2 मिनट खड़ी रहूँगी चाहे, और आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे करते हैं धपड़ धपड़ काट के। तो देखते रहिए आप लोग। मर गई है सीटी और लग गए हैं सब काटने, और अब मैं भी लगती हूँ काटने। देखिए कैसे लगे हैं काटने पर सब लोग। और यहाँ मतलब कम लोग हैं और नीचे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ तक खुला है सीधे। ये बिक्रम मामी है नीचे। तो दोस्तों कट गए हैं यार, और मैंने भी काट लिया है, मैंने मतलब 8-9 फुली काटी है। और अब देखते हैं और भी खुल भी सकता है अभी और नहीं भी, तो बाद में बताऊंगी आप लोगों को कि क्योंकि इस बार आना वाला एक एक बारी खुलेगी। आ देखते हैं एक ही बारी खुल रही है कि दूसरी बारी भी खुल रही है, देखते हैं। और यहाँ का तो कट गए हैं लोग, कोई घर जाने लग गए हैं और कोई वहाँ पे बचा है अभी थोड़ी बहुत, और वहाँ के लोग काट इतना कट गए और वहाँ साइड भी खुला था और यहाँ भी। और देखें कुछ घर जाने लग गए हैं और कुछ जाम लग गया, जाम चला जल्दी, जाम लग गया इधर तो। नहीं खुला है वाल लेना, तो चलते हैं हम घर क्योंकि कुछ तो मेरी नना ने ले जा दिया है घर, और बोल रहे थे लेने वाले नहीं आएंगे लेकिन जगह पे नहीं वाले आधा रास्ते में आए और ले जा दिया है मेरी नना ने भी। तो चलते हैं हम घर, अब नहीं खुला वैसे अच्छा है ये एक किस्म से, 12 बजे सीधा छुट्टी। तो दोस्तों हम कब के पहुँच गए हैं घर, और हमने खाना पीना भी खा लिया है और हमने कपड़े भी चेंज कर लिए, मतलब हाय। तो जो हमारे म्यार के कपड़े हैं उतार लिए हमने, तो दूसरी ड्रेस पहन ली है ना दूसरी। तो आरा देवी चली गई है वहाँ मतलब दूसरे और माओ के घर में, और अपने कपड़े भी उठा लेती हूँ मैं क्योंकि जब तक आरा देव वहाँ गई है कपड़े ही उठा लेती हूँ अपने, क्योंकि कल धुले थे मैंने और ये सूख गए हैं। तो चलो चलते हैं हम। तो इन कपड़ों पर मैं प्रेस मारती थी, लेकिन प्रेस जो कि हमारी मतलब लाइट नहीं है हमारे घर में, हमारे घर में ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बार बार लाइट ख़राब हो जाती है। तो देखिए इतने सारे कपड़े हैं मेरे, क्या बोले, और कुछ मेरे ननद के भी है प्रेस करने के लिए और कुछ मेरे भी। तो क्या होगा, क्या करूँ मैं दोस्तों अभी काम। चलो पहले इनकी बेल्टी मार लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ काम, जो कि काम करती हूँ मैं सिलाई का काम, और थोड़ी बहुत आज करेंगे हम मशीन मतलब सिलाई का काम। तो चलो, जो कि मुझे मिला है यहाँ पर एक केला, और मैंने सोचा मैं ही खा लूँ, यह था आराध्या का, तो कोई बात नहीं मैं ही खा लेती हूँ। तो दोस्तों टाइम भी शाम के 5 बज गए हैं, और तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करें। तो हमारे गांव में ना आजकल ना बहुत शादी होने लग गई है ना आराधी। फोन चाहिए वाली से, देखो फोन चाहिए आराधी को। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बग्याल मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय, बोल बाय।